हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम तीन नंबर के कान्हा जी की ऐसी ड्रेस बनाना सीखेंगे। ये मैंने पर्पल कलर से बनाई है और ये एक 3D डिज़ाइन है और इसकी चोली का वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से वो देख सकते हैं। अपनी चोली मैंने ऑलरेडी बनाकर रखी हुई है, तो आइए चलिए देखते हैं आगे कैसे बनाना है। यहाँ पर हम तीन चेन्स लेंगे, एक डबल क्रोशिया उसी स्पेस में कर देंगे। फिर अगली चेन में सेम चेन में दो बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसी तरह से ये रो हमें कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए मेरी रो कंप्लीट हो गई है। हम थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। अब हम तीन चेन्स लेंगे। अब हमें यहाँ पे तीन डबल क्रोशिए का क्लस्टर बनाना है। तो ये देखिए हमने ये यहाँ तक बनाना है डबल क्रोशिया, फिर से इंसर्ट करना है हुक को, इसे ऐसे बनाकर तीनों को इकट्ठे बना देना है। तो इसे तीन या चार जैसे भी हम बनाते हैं तो इसे क्लस्टर बोला जाता है। अब हम यहाँ पर चार चेन्स लेंगे, दो चेन्स छोड़कर तीसरी चेन में फिर से तीन डबल क्रोशिए का क्लस्टर बनाएंगे। यहाँ पर हम इसे छोड़ देंगे, पूरा डबल क्रोशिया नहीं बनाना है। यहाँ पर फिर से तीन लूप्स आ गए, ऊपर ये फोर्थ लूप भी आ जाएगा और इन सबको हमने इकट्ठे निकाल लेना है। तो इसी तरह से अब चार चेन्स बनाएंगे और ये रो हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे अपनी। तो ये देखिए मेरी रो कंप्लीट हो गई है और मैंने दो चेन्स ली हैं ज्वाइन करने के लिए, और जॉइनिंग पॉइंट पर एक हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे। इससे हम मिडल में आ गए, चेन स्पेस के मिडल में आ गए। और अब हम सात चेन्स लेंगे। अगले जो हमारी चार चेन स्पेस थी वहाँ पर सिंगल क्रोशिए से ज्वाइन कर देंगे। फिर से सेवन चेन्स लेंगे, ऐसे ही हम ज्वाइन करते जाएंगे और ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब लूप में हम जाकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, अब फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी पैटर्न को हम रिपीट करेंगे सारी लूप्स में। तो इसी तरह से हमारी शेल्स बन गई हैं सारी, और जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया था उसमें स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। अब हमें स्लिप स्टिच से शेल के मिडल में जाना है। जो हमने मिडल में तीन डबल क्रोशिए किए थे पिछली रो में, जो बीच वाला डबल क्रोशिया है वहाँ तक जाएंगे स्लिप स्टिच से। ये देखिए मैं मिडल में आ गई हूँ इसके। अब हम तीन चेन्स लेंगे, उसी जगह पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब तीन चेन्स लेंगे, जो फर्स्ट वाली तीन चेन्स ली थी हमने वो डबल क्रोशिया माना जाएगा। उसी स्पेस में फिर से दो डबल क्रोशिया बना देंगे। तो मतलब ये बन गया हमारा डिज़ाइन, दो डबल क्रोशिया, तीन चेन्स, दो डबल क्रोशिया सेम स्पेस में। अब हम पांच चेन्स लेंगे और सेम ऐसे ही दूसरी शेल के मिडल में बना देंगे, दो डबल क्रोशिया, तीन चेन्स, दो डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से ये पूरी रो हमें कंप्लीट कर लेनी है। तो ये देखिए मेरी रो कंप्लीट हो गई है। अब जो तीसरी चेन हमने स्टार्टिंग में ली थी उसमें स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। अब हम तीन चेन्स लेंगे, ये हमारा डबल क्रोशिया माना जाएगा। अब जो ये सेकंड वाला डबल क्रोशिया था पिछली रो में, इसमें हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे दो।
फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया जो हम ऐसे इंसर्ट करके हुक इंसर्ट करके फ्रंट से ये डबल क्रोशिया ही बनेगा, उसे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया कहते हैं। अब हम दो चेन्स लेंगे। जो ये पिछली रो में हमने तीन चेन स्पेस लिया था, इसमें हम पांच डबल क्रोशिया बना देंगे। ये देखिए मेरे पांच डबल क्रोशिया बन चुके हैं। अब हम दो चेन्स लेंगे। अब जो ये डबल क्रोशिया था पिछली रो में फर्स्ट वाला, इसमें दो बार फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करना है। सेम स्पेस में दो बार फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट वाले में एक बार बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। ये देखिए कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हम दो चेन्स लेंगे, फिर नेक्स्ट जो ये डबल क्रोशिया दिख रहा है इसमें एक बार बनाना है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, दूसरे वाले में दो बार बनाएंगे वैसे ही जैसे हमने पहले बनाया था। अब दो चेन्स लेंगे और ये जो थ्री चेन स्पेस है इसमें पांच बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ये रो हम अपनी कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए मेरी रो कंप्लीट हो गई है। लास्ट में दो चेन्स ली हैं मैंने और जो तीन चेन्स ली थी स्टार्टिंग में वहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया है। ये देखिए कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हम तीन चेन्स लेंगे। जो पहले पिछली रो में हमने दो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाए थे उनके ऊपर एक एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे, मतलब इस रो में भी तीन ही रहेंगे हमारे। अब दो चेन्स लिए। दो चेन्स लेने के बाद जो हमने पिछली रो में पांच डबल क्रोशिया बनाए थे उन्हीं के ऊपर हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं, लेकिन एक चेन लेनी है बीच में। जैसे एक चेन ले ली डबल क्रोशिया के बाद, फिर से डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक चेन बनाई, फिर से डबल क्रोशिया, एक चेन बनाई, फिर से डबल क्रोशिया, एक चेन एंड लास्ट डबल क्रोशिया। अब दो चेन्स लेनी है। हमने स्टार्टिंग में भी दो चेन्स ली थी डबल क्रोशिया बनाने से पहले और अब भी लेंगे। तो अब तीन फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया हैं, इनके ऊपर तीन बार ही बनाना है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। अब जो नेक्स्ट डिज़ाइन है उसमें तीनों फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो इसी तरह से ये रो हमें अपनी कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए मेरी रो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे थर्ड चेन में। अब हमारी ये लास्ट रो है, इसके लिए मैंने तीन चेन्स ली हैं। जो दो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया उनको पिछली रो की तरह ही बनाना है, एक एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया उनके ऊपर बन जाएगा।
तो यहाँ पर मैंने चार चेन्स लिए हैं और जो हमारा चेन स्पेस था वहाँ पर सिंगल क्रोशे से ज्वाइन कर दिया। अब चार चेन्स ली हैं, जो हमने एक एक चेन स्पेस लिए थे बीच में वहाँ पर सिंगल क्रोशे से ज्वाइन कर रही हूँ मैं। चार चेन्स ली हैं, फिर से वहाँ पर सिंगल क्रोशे से ज्वाइन कर दिया है। चार चेन्स लेकर सिंगल क्रोशे से ज्वाइन कर दिया है। अब फिर से चार चेन्स लूँगी, अब ये छः फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है, इसे हमें फाइव में कन्वर्ट करना है, पाँच में कन्वर्ट करना है। पहले दो हम वैसे ही बना लेंगे, मैं स्टार्टिंग में यही बोल रही थी कि जो हमने स्टार्टिंग में तीन बनाए हैं फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिए, लास्ट वाले जो बचेंगे उन दो को हम एक बना देंगे। ये देखिए दो हम बना चुके हैं, जो तीसरा और चौथा है इन्हें हमें इकट्ठे बना लेना है। अब ये दोनों अलग अलग बन जाएंगे तो ये हमारे पांच हो गए। हमें पांच करने हैं किसी भी तरह, हमें ये पांच करने हैं, छह से पांच। तो इसी तरह से ये रो हम अपनी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए मेरी रो कंप्लीट हो गई थी और ये ड्रेस कुछ इस तरह से दिख रही है। अगर आपको ये अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा अपना एक्सपीरियंस और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, इससे मैं जो भी वीडियो डालूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।